Dear students, welcome to our YouTube channel The Next Gen Education. पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफिनिट आर्टिकल के बारे में जाना था. इस वीडियो में हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में जानेंगे. तो ध्यान रखना है, इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है. नाम से ही पता चल रहा है कि इनडिफिनिट आर्टिकल यानी कि यह किसी भी नाउन की इनडिफिनिटी को शो करेगा. The article which shows the indefinity of a noun is called an indefinite article. ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन हम सबसे पहले लिखते हैं indefinite article का. ये सेकेंड नंबर हमारा आर्टिकल है indefinite article. The article which shows the indefinity, which shows the indefinity of a noun is called an indefinite An indefinite article. ठीक है, is called an indefinite article. तो चलिए example देखते हैं इसका हम indefinite article का. जैसे आप देख सकते हैं, this is a boy. This is a boy means what? यह कोई लड़का है, कोई एक लड़का है. इट इज़ नॉट डिफिनिट बॉय, इट्स एन इनडिफिनिट बॉय. वी आर टॉकिंग अबाउट एन इनडिफिनिट बॉय हियर, सो वी हैव यूज्ड हियर एन इनडिफिनिट आर्टिकल. एंड यू कैन ऑल्सो सी इन दिस एग्जाम्पल दैट इज एन अम्ब्रेला. दैट इज एन अम्ब्रेला. ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं दोनों ही एग्जाम्पल में यह नाउन है, नाउन है, यहां भी नाउन है, और इसके पहले जो आर्टिकल लगा है यह इनडेफिनिट आर्टिकल है, और यहां भी इनडेफिनिट आर्टिकल लगा है. ठीक, यहां एक अनसर्टेन बॉय के बारे में बात किया जा रहा है, कोई सर्टेन बॉय नहीं है यह. ठीक है, फिर यहां भी आप देख सकते हैं दैट इज एन अम्ब्रेला में एक सर्टेन अम्ब्रेला की बात नहीं हो रही है, अनसर्टेन अम्ब्रेला की बात हो रही है, कोई अम्ब्रेला है, इट्स एन अनसर्टेन अम्ब्रेला. ठीक है, तो इस केस में हम इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे. सो हम यहां देखते हैं कि ए और एन, ए एंड एन आर कॉल्ड एन इनडिफिनिट आर्टिकल. इनडिफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह किसी भी नाउन की इनडिफिनिटी को शो करता है, किसी भी नाउन की अनिश्चितता को शो करता है, इसलिए इसे हम इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं. राइट, तो चलिए फिर देखते हैं हम और भी इसके बारे में कि इसका यूज हम कहां करते हैं. तो इनडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, countable noun. हमेशा ध्यान रखना है यह सिंगुलर countable noun के पहले यूज किया जाता है. ऊपर के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से boy क्या है, boy एक सिंगुलर countable noun है, सिंगुलर countable noun है boy. और यहां पर umbrella भी आप देख सकते हैं, umbrella भी सिंगुलर countable noun है. ठीक है, और इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए या एन का यूज किया गया है. चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वह है
आर्टिकल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वह है पोजिशनिंग ऑफ आर्टिकल। पोजिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का पोजीशन कहाँ होता है, कहाँ लगाया जाता है आर्टिकल, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले लगाया जाता है, किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले लगाया जा सकता है आर्टिकल, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए लगाया जाता है आर्टिकल, इसके बारे में हम जानेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल में। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है पोजिशनिंग ऑफ आर्टिकल में कि आर्टिकल का यूज हमेशा और हमेशा नाउन के लिए होता है और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के लिए किया जाता है, किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, आर्टिकल और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले यूज होता है लेकिन वह नाउन के लिए यूज होता है, उस अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए यूज नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो इसी चीज को हम लोग सीखेंगे, जानेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो चलिए पहला देखते हैं इसका पोजीशन क्या होता है। तो जनरली आर्टिकल इज यूज बिफोर अ नाउन, आर्टिकल क्या होता है जनरली एक नाउन के पहले यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल में आई हैव अ पेन, ही हैज एन अम्ब्रेला, He has an umbrella. This is the boy. यहां पर आप देख सकते हैं हर एक एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं पेन है नाउन, इसके पहले आर्टिकल का यूज किया गया है, यहां भी अम्ब्रेला नाउन है, इसके पहले भी आर्टिकल एन का यूज किया गया है, यह आर्टिकल है, और यहाँ पर बॉय है नाउन है, इसके पहले भी आर्टिकल का यूज किया गया है। तो जब भी किया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं नाउन के पहले किया गया है आर्टिकल का यूज, यहाँ पर इन तीनों एग्जांपल में नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया गया है और इस नाउन के लिए आर्टिकल का यूज किया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग जानते हैं पोजिशन ऑफ आर्टिकल, जब सेंटेंस में नाउन रहे और उस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे तब आर्टिकल का यूज उस एडजेक्टिव के पहले होता है ना कि नाउन के पहले। तो चलिए इसे हम पॉइंट आउट करते हैं, नोटन करते हैं इसे। इफ देयर इज अ नाउन in a sentence and before that noun there is an adjective, then article is used before that adjective, not before noun, ध्यान रखना है। पहला में हमने क्या देखा कि नाउन के पहले, दूसरा में क्या देख रहे हैं, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का पोजीशन उस एडजेक्टिव के पहले होगा ना कि नाउन के पहले। ठीक है, चलिए एग्जांपल से बेहतर समझेंगे हम इसे। जैसे देख सकते हैं
सी इज अ गुड गर्ल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में किस प्रकार से यहाँ पर नाउन गुड का यूज किया, नाउन गर्ल का यूज किया गया है और इस नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज किया गया है और यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया गया है। तो ध्यान रखना है कि यह जो आर्टिकल यूज हुआ है यहाँ पर वह इस गर्ल के लिए यूज हुआ है, इस गुड के लिए नहीं हुआ है। ठीक है, एडजेक्टिव आया है इसलिए एडजेक्टिव के पहले यूज हुआ है, लेकिन यूज किसके लिए हुआ है तो इस नाउन के लिए यूज हुआ है यह आर्टिकल, ना कि गुड के लिए। ठीक है, इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं आप, जैसे अगर यहां से हम गर्ल हटा दें, सी इज अ गुड, तो क्या यह सही होगा? नहीं, यह हमारा गलत हो जाएगा। यह तो सही है लेकिन यह गलत हो जाएगा, क्योंकि गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, नहीं लगता है, ध्यान रखना है। एडजेक्टिव के पहले लगता है लेकिन एडजेक्टिव के लिए नहीं यूज होता है, यहाँ पर इस गर्ल के लिए यूज हुआ है। अगर गर्ल रहेगा, कोई नाउन रहेगा, तब आर्टिकल का यूज होगा, अन्यथा आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम तीसरा देखते हैं पोजीशन आर्टिकल का। थर्ड पोजीशन है, अगर इसी प्रकार से नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे और उस एडजेक्टिव के पहले भी कोई एडवर्ब रहे, तब आर्टिकल का यूज उस एडवर्ब के पहले होता है, ना कि उस नाउन या फिर एडजेक्टिव के पहले। ठीक है, चलिए इसे भी हम लोग रूल नंबर 3 को भी पॉइंट आउट करते हैं। इफ देयर इज अ नाउन इन अ सेंटेंस and before that noun there is an adjective and before that adjective and before that adjective there is an adverb in a sentence then article is used before that adverb, before that adverb, not before that adjective or noun. उस एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज होगा, ना कि एडजेक्टिव या फिर नाउन के पहले। ठीक, तो हम देखते हैं इसके एग्जांपल को भी। सी इज अ वेरी गुड गर्ल। यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से गर्ल नाउन है और नाउन के पहले यह एडजेक्टिव आया हुआ है और इस एडजेक्टिव के पहले वेरी एडवर्ब है, एडवर्ब लगा हुआ है और एडवर्ब के पहले हमने किस प्रकार से आर्टिकल का यूज किया है। नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है और इस एडवर्ब के पहले हमने आर्टिकल का यूज किया है, लेकिन इस गर्ल के लिए ही यह आर्टिकल यूज हुआ है। अगर गर्ल नहीं रहेगा, नाउन नहीं रहेगा, तो आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो
हम इस एक और एग्जांपल को देखते हैं, बिना गर्ल को लेते हुए, बिना नाउन को लेते हुए देखते हैं क्या वह सही होता है। सी इज अ वेरी गुड, सी इज अ वेरी गुड। यहां पर हमने नाउन नहीं लिया है, यहां पर एडजेक्टिव तो है, एडवर्ब तो है, आर्टिकल हमने इस एडवर्ब के पहले लिया है, ठीक है। तो यह हमारा गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि हम एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कुछ और एग्जांपल, जैसा कि हमने पहले वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि एन ऑनेस्ट गलत हो जाएगा किस प्रकार से। तो एन ऑनेस्ट कैसे गलत होगा, वह एग्जांपल एक यहां पर मैं लेता हूं। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, बिल्कुल सही है यह सेंटेंस, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, बिल्कुल सही है। आप कहोगे तो फिर आपने ही तो कहा कि ऑनेस्ट के पहले नहीं लेंगे, तो ध्यान देना है कि यहां पर मेन क्या है, नाउन है, मेन नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आया है और इस एडजेक्टिव के पहले हमने आर्टिकल लिया है, तो अब यह सही है हमारा, यह हमारा सही है, क्योंकि इस नाउन के लिए हमने लिया है, नाउन के लिए आर्टिकल का यूज किया है। लेकिन अगर हम यहां से नाउन को हटा दें, अगर हम लिखें ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट, तो क्या यह हमारा सही होगा? नहीं, यह बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और इसके पहले आर्टिकल कभी भी यूज, एक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना है। तो सही क्या होगा, ही इज ऑनेस्ट सही होगा। अगर सही होगा तो ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट सही होगा, ही इज एन ऑनेस्ट गलत होगा, ठीक है। तो इसी के एग्जाम्पल में, सेकेंड के एग्जाम्पल में भी आपको इसे भी नोट करना है। चलिए एक और पॉइंट हम लोग नोट में लिखते हैं, नोट में, नॉट, वी शुड ऑलवेज कीप इट इन माइंड दैट आर्टिकल इज यूज्ड, आर्टिकल इज यूज्ड फॉर अ नाउन, ठीक है, आर्टिकल एक नाउन के लिए यूज होता है, बट यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट वर्ड, नियरेस्ट वर्ड के अकॉर्डिंग यूज होता है। जैसे ऑनेस्ट वाले में हमने बताया कि आप कहोगे कि मेन के लिए अगर यूज हुआ है तो मेन के लिए तो ए लगेगा, है ना, तो मेन के लिए यहां पर ए नहीं लगेगा, क्योंकि इसके नजदीक कौन आया है, ऑनेस्ट आया है, तो ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग हमने एन का यूज किया है, ना कि मेन के अकॉर्डिंग। तो चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यूज तो किया गया है आर्टिकल का इस गर्ल के लिए यूज किया गया है, लेकिन इंटेलिजेंट के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग एन लगेगा, ठीक है, इंटेलिजेंट के अकॉर्डिंग लगा है, लेकिन यूज किसके लिए किया गया है, तो इस गर्ल जो कि नाउन है इसके लिए किया गया है, हमेशा ध्यान रखना है इसे, ठीक है। आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल एंड यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लें। ओके, थैंक यू।